हेलो फ्रेंड्स, मु नर सिंह मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि टॉप 50 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, एही सब क्वेश्चन आपण मानकर प्रीवियस ईयर ओएसटीटी 2018 पेपर 1 रे आसीथिला। तो फ्रेंड्स, से सब डिस्कशन करबा। जदि वीडियो भल लागे ताहल नेते गोटे लाइक करिवे एवं अधिकर अधिक कृपया संगे साथी मानकु शेयर करिवे। हां फ्रेंड्स, जदि आपण पीडीएफ चाहुचंती ताहल टेलीग्राम चैनल जॉइन करके आपण पीडीएफ पाई परिवे। तो फ्रेंड्स, देखनेबा कोन रहिछि आपण मानकर क्वेश्चन। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि क्वेश्चन, देखंतु ये होची आपण 2018 पेपर 1 सेट बी रो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि, व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा कोटा नुहे। तो देखंतु राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इनटू क्लास 8। देखंतु अष्टम क्लास रे पिला एडमिशन हेबा पई को प्रकार रो इवैल्यूएशन करबो कि से अष्टम क्लास में फिट, अष्टम क्लास रे एडमिशन पई फिट अछि बेले आपण को प्रकार इवैल्यूएशन करबो। तो देखंतु या राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स सो एज टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। देखंतु को प्रकार रो भाषार व्यवहार करिवो गोटे टीचर जेते बेले गोटे शेड्यूल ट्राइब पिला एसटी पिला सहित टीचिंग दबो तो से ता सहित मिसिले परे कोन को देर लैंग्वेज से माने लैंग्वेज रो प्रॉब्लम किम से सॉल्व कर परिवो। तो देखंतु को भाषा रे से टीचिंग करिवो। तो देखंतु राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज, माने बुक रो लैंग्वेज एवं जो कहउछंती स्पोकन लैंग्वेज दीटा लैंग्वेज रे से टीचिंग देबे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची, ए ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 डाइमेंशंस व्हाट आर दे। तो देखंतु राइट आंसर कोन होची, राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वेटेज टू लर्न, वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 5, 105, व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट। तो देखंतु कोटा गोटे रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट नुहे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी, व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी। तो पेडागोजी कौन कहा जाए, साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, साइंस ऑफ लर्निंग, साइंस ऑफ एजुकेशन टेस्टिंग। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस, साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला, क्वेश्चन नंबर 107, व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट, माने गुड टेस्ट में कोडा गोटे को क्वालिटी डा देखा जाए नहीं। तो देखंतु या राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट रिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिव्स। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, टू स्टेबलाइज द बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 109, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कोड़ा गोटे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक। तो देखंतु राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन डा गोटे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 1110 क्वेश्चन नंबर इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग लिस्ट को प्रकार क्वेश्चन रे माने गैस करिबा बा संदेह करिबा गैस करिबा कम पॉसिबिलिटी रहउची कम संभव रहउची तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी फोर को विच इन विच टाइप व्हाट टाइप क्वेश्चन द पॉसिबिलिटी ऑफ द गेसिंग इज लिस्ट कोटरे लिस्ट रही गेसिंग टा तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी फोर ऑप्शन टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ करिकुलर एंड करिकुलर अचीवमेंट्स तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्रिहेंसिव नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला क्वेश्चन नंबर 112 विच वन इज टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोटा निम्नलिखित मधुर शिक्षक केंद्रिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्यूड बाय कोहलबर्ग कम्स अंडर डेस का अंडर आसुची तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी स्टेज थ्री एंड फोर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू सिचुएशन हु हैड गिवन दिस डेफिनेशन ए डेफिनेशन रे किए देथिले तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी स्टेम क्वेश्चन नंबर 115 हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ ग्रुप फैक्टर ऑफ एनर्जिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो एनर्जिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो प्रोपाउंडर किए ग्रुप ऑफ फैक्टर ऑफ एनर्जिक ग्रुप ऑफ फैक्टर और एनर्जिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो प्रोपाउंडर किए तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी थॉर्स्टन तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला क्वेश्चन नंबर 116 अल्फ्रेड विनेट बिलोंग्स टू विच कंट्री अल्फ्रेड विनेट केउ देशर लोको तो देखंतु राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए फ्रांस अल्फ्रेड विनेट होचंती फ्रांस रो लोको नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड द मेंटल एज ऊपर के डिफाइन करथिले को साइकोलॉजिस्ट प्रथम डिफाइन करते वर्णना करते तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड विनेट अल्फ्रेड विनेट सर्वप्रथमे मेंटल एज उपरे डेफिनेशन देथिले क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डज इंटेलिजेंस क्वोशेंट इंटेलिजेंस क्वोशेंट कौन तो देखंतु आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड साइनिफाई मेंटल एज ना क्रोनोलॉजिकल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 अब मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड देन मल्टीप्लाई 100 तो देखंतु आईक्यू क्वेश्चन माने आईक्यू क्वेश्चन रा कौन तो देखंतु एठी आपण मानकर मेंटल एज बाय डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मेंटल एज माने मानसिक वयस बाय क्रोनोलॉजिकल वयस मानसिक वयस बाय प्रकृत वयस इनटू 100 सेटा होची आपण मानकर जो आईक्यू क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टोर एंड स्ट्राइक विच एजुकेशनलिस्ट सजेस्टेड दिस स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट टा केउ एजुकेशनलिस्ट देथिले
କେଉଁ ଏଜୁକେସନ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜି ଏଚ୍ ହିଲ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଡେସ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବିହେଭିଅର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 121, ହୁ ଡିଫାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏଜ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କିଏ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ଏ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା ବିହେଭିଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଏଇଟା ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା କିଏ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଚ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦ ଡିଜାୟର ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ରିଲାଇଜ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟିଚର୍ସ ନଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାଇଲ୍ସ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଡେସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପଜିଟିଭ ନନ୍ ଭେର୍ବାଲ୍ ରିଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସରି ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ଏ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଗିଭେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଡେସ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆନାଲଗ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଗିଭ୍ସ ଦ ସେମ୍ ରିଜଲ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିପିଟେଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଡେସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ରିଲାଏବିଲିଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 126, ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆର୍ ଆସ୍କଡ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଏ ପିରିୟଡ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମାଟିଭ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅବ୍ଜର୍ଭେସନ୍, କେଉଁଟା ଅବ୍ଜର୍ଭେସନ୍ର ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 128, ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍, କେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନୁହଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଟିଚର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 129, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ ରହୁଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥାର୍ଟି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିକଜ୍ ଡେସ୍, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତ କାରଣ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଦେର୍ ପ୍ଲେସେସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥାର୍ଟି ୱାନ୍, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରେଡ଼୍ ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କେଉଁଟା ରିଲେଟ୍ ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଟିଚର୍ ଟିଚ୍ ଥ୍ରୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମେଥଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 132, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗିଲଫୋର୍ଡ଼ସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡ଼େଲ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन द लर्नर डेज। राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बिकम्स इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन डिड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट इन आवर स्टेट। आम राज्य रे सर्वप्रथम केबे बहुभाषी शिक्षा आरंभ हैला, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आरंभ हैला। तो राइट आंसर हो ची ऑप्शन नंबर सी 2017-18, ऑप्शन नंबर सी 2017-18। क्वेश्चन नंबर 135, हु डिफाइंड सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ईवी हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट ए व्हाट स्टेज द चाइल्ड एंटर द पिक ऑफ द गैंग एज। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 11 to 12 इयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 137, हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। 137, हु इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। तो राइट आंसर होची विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 138, हु व्यूड दैट ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ द ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस। किए व्यू दे थिले तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 139, विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बा विकास रो कोटा गोटे बेसी गुरुत्वपूर्ण अटे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, फिजिकल चेंज, चेंज इन नर्वस सिस्टम, मैच्युरेशन, ये तीन टा जगह दरकार। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 140, फ्रॉम व्हिच स्टेज डन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बिगिंस। कौ समय गोटे शिशुर डेवलपमेंटा स्टार्टिंग हुए, तो प्री नेटल, पोस्ट नेटल, इन्फेन्सी, चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन 2016 भी आसाला, यहाँ 2018 रिपीट होती। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए प्री नेटल स्टेज रे डेवलपमेंट होची शिशुर विकास। क्वेश्चन नंबर 141, एट व्हाट स्टेज ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजेट। पियाजेट को अनुजाई कौ स्टेज रे गोटे छुआ भाबिवार से तार लॉजिकली भाबिवार से स्टार्टिंग करे, ता आरंभ हुए। तो देखंतु या राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे तार भाबिवार चिंताधारा आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड डेस। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी हेरेडिटी, माने वंशगुण हेरेडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित मध्य कौ स्टेटमेंटा करेक्ट नुह, माने ठीक नुह। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। देखो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ है गोटे परिमाणात्मक, डेवलपमेंट फॉलोस ऑर्डरली सिक्वेंसी, डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव, आउ बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ वृद्धि एवं विकास होची परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट इज कॉल्ड डेस।
तो राइट आंसर हूँ क्वेश्चन नंबर ए सेफाओ काउडल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट। सेफाओ काउडल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर ए काफाओ काउडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 145 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इनक्यूसिटिवनेस ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 146 विच इज नॉट करेक्ट कौटा गोटे ठीक नुह। तो डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये ठीक अच्छे। तापर देखूँ आपण मानकर डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्युरेशन। तो कौटा ठीक नुह। तो राइट आंसर होची आपण मानकर 146 ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस इनफॉर्मली माने विकासटा सबुले सबु जगह सामान नुह सबुले सामान नुहे। तो राइट आंसर एटा ठीक नुह। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस निम्नलिखित मध्ये कोड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस नुह मोटिवेशन लर्निंग डेवलपमेंट ग्रोथ। तो देखो अभिप्रेरणा शिक्षा विकास आ वृद्धि ए चारटा भितर कोड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस नुह। तो देखो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन मोटिवेशन टा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नुह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग। देखु चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षण रे कोटा गोटे संपर्कित नुह। तो राइट आंसर हूँ क्वेश्चन नंबर 148 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर एम्फासीस और अन् क्लासरूम टीचिंग एम्फासीस अन् क्लासरूम टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 149 विच लर्निंग इज नॉट डिपेंडेड ऑन मोटर स्किल। मोटर स्किल पाई कोटा डिपेंड नुह को प्रकार लर्निंगटा डिपेंड नुह ड्रॉइंगटा सिंगिंग साइक्लिंग टाइपराइटिंग। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी सिंगिंग सिंगिंगटा ता सहित संपर्कित नुह मोटर लर्निंग मोटर स्किल्स सहित संपर्कित नुह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी बोथ हेरिडेटरी एंड एनवायरमेंट बोथ हेरिडेटरी एंड एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स ये 150 आपण मान चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जब भिडियो भल लगी है तो गोटे लाइक करेंगे और अधिक कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।